वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दर्शकों, इस वक्त अं खड़े हाँ एक जमींदार जिन्हें कि सत्तां समुंदरां तो पार आण के बड़ियां मल्लां मारियां, लखवीर सिंह खख, जिन्हां ने कि नवी तकनीक दे नाल नवी खेती की है इत्थे आस्ट्रेलिया दे शिफ्टन शहर दे विच, ते जिथे भी सिख गए बड़ियां मल्लां मारियां, हड भनवी कमाई की आ। गुरु नानक का फलसफा जिहड़ा अपनाया, किरत करो, नाम जपो, तो वंड छको, तो ये अपनी मिसाल आ पिया। आओ उन्हां नाल रूबरू कराउने आ, इस वक्त इन्हां दे खेतां दे विच खड़े हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी की फतेह। जी खख साहब, अपना किहड़ा दौलतखाना पिंड किहड़ा इंडिया दे विच, किहड़े जिले दे विच आ, ते किहड़े साल दे विच तुहां डारी मारी ते कित्थे आए? मेरा जी फुल नेम लखबीर सिंह खख आ। मैं पिंड भोरशी राजपूत हाँ, जिला अमृतसर तो हाँ, पिछों पंजाब तो। ते मैं 89 दे विच न्यूजीलैंड आया सीगा। उस तो बाद 2 साल बाद मैं वापस आस्ट्रेलिया आ गया। आस्ट्रेलिया आने तो बाद मैं 8-10 साल टैक्सी चलाई मेलबर्न दे विच। उस तो बाद मैं मन चेंज करके ते भाव भैणा दी सलाह दे नाल ते असी इत्थे शैप्टन दे विच विक्टोरिया च आस्ट्रेलिया च असी फार्म ले लिया। खख साहब, ये जिहड़ा धंधा तुसीं खेती दा करदे आ, खेती करमा छेती दब के वाह ते रज के खा, उत्थे वी तुसीं खेती नाल संबंध सी के भोरशी पिंड? हाँ जी, साढ़े दादे पड़दादे सारे पापा जी भी खेती करते रहे। इंडिया च भी मैं 4-5 साल जदों मैट्रिक तो मैट्रिक फिनिश की, उस तो बाद मैं भी 5-6 साल खेती च लाए, उत्थे पूरी रज के किया काम। तो इतने जो तुम आए आ न्यूजीलैंड तो, हर कोई बंदा जो आता वा प्यारे दर्शकों, तुम वे देशों विदेशों के सारे काम करने पेंदे, ज्यों ज्यों भिजे कंबली त्यों त्यों भारी हो, ज्यों ज्यों तजर्बा फिर बंदा गांह वधदा। तो जो तुम इतने शिफ्टन दे विच मूव होए आ तुम, तो पहला किहड़े तुम गार्डन किहड़े बाग खरीदे? जदों जी मैं तकरीबन 2000 दे विच अहीं इत्थे मूव होए आ आस्ट्रेलिया इत्थे शैप्टन दे विच, ते असीं 20 एकड़ 22 एकड़ दा ब्लॉक सीगा, वो फ्रूट सीगा जिहनूं उचड़ कहिंदे आपां, ते उहदे विच एप्पल, पीयर, नाखां, अपने पीचस, प्लम वगैरह सी, एप्रीकोट वगैरह सीगे। वो 3-4 साल चलाउण तों बाद सानूं उच कोई फायदा नहीं जापिया, फिर अहीं मूव हो गए सब्जी 'च, क्योंकि साडी बैकग्राउंड जिहड़ी पिछों पंजाब तों अहीं बहुत ज़्यादा सब्जी सुब्जी लाउंदे आए हाँ, इस करके अहीं इधर नूं सानूं चंगा लगा। ये जिथे आपां खड़े आ इन्हां खेतां दे विच बाग सीगे? हाँ जी, इन्हां 'च वी सीगे, पर ये मेरा दूसरा फार्म आ, जिहड़े पहले फार्म मेरा घर वाला फार्म आ उहदे विच सीगा सारा बाग। बाग इहदे 'च वी सीगा पर ये बाद 'च लिया, ये 2009 'च लिया मैं। हाँ जी, ते तुसीं इहदे विच तुहाडी कौन कौन हैल्प करदा, तुहाडी फैमिली? क्योंकि अज कल बिजनेस कोई भी ले लो, शॉप का ले लो, खेतों का ले लो, जिन्ना चिर घर के बंदे नहीं कामयाब ही नहीं, खास करके खेतों च तो जिन्हें बंदे उन्होंने थोड़े आ, की कहना चाहो? मैं तो यही कहना चाहूँगा भी की आने दे हाल दो पंजाली जी चलती है, दोवें बलदों तो बिना नहीं की चलती। जिन्ना चिर हसबेंड वाइफ या दोने पार्टनर अपने पूरा नहीं साथ देंगे, उन्ना चिर कोई बंदे की कामयाबी नहीं। कोई मेरी वाइफ ने तो मेरे मम डैड ने मेरे नाल हेल्प पूरी कराई आ, पूरी मैनू दिती आ, तकदीर दिती आ भी हाँ तू कर। तो मेरे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे, 5 साल का मेरा बेटा जदों दे इत्थे मूव होए आ, तो उन्होंने भी 6-7 साल तक काफ़ी साढ़े नाल निक्के होंदे जो स्कूलों फिनिश होंदे सी साढ़े नाल आण के निक्की निक्की हेल्प कराउंदे रहे हर एक चीज़ की। ते अपने लखबीर सिंह जी, ये जिहड़ा तुहाडा प्यारे दर्शको दस दईए कि कोई जबान च कुछ कहिंदा इहनूं, कोई किश कुछ कहिंदा जां कई की अतोरियां कह लैंदे, वैसे की अतोरी नहीं, ये इंग्लैंड इहनूं जी जकीनी कहिंदे आ। इहदे तकरीबन कद्दू चप्पण कद्दू वर्गी इहदी वल आ, ते हैगी खीरे वर्गी आ वेखण नूं, ते इहदी हर रोज़ ही तलाई हुंदी आ तकरीबन। किहड़े महीने 'च तुसीं इहदी खेती लाउंदे आ? असीं जी ये सारी गर्मियां 'च हुंदी आ, जे अहीं शुरू करदे आ तां नवंबर 'च हार्वेस्ट शुरू हो जांदी है इहदी तुड़ाई, ते नवंबर तों बाद अहीं तकरीबन अप्रैल तक जिन्ना चिर तक साडे इत्थे कोहरा नहीं पैंदा उन्ना चिर तक चलदी रहिंदी आ, 6-7 महीने तकरीबन लगातार, 6 महीने इहनूं कोई प्रॉब्लम नहीं। 5-6 महीने 'च फसल इहदी तैयार हो जांदी? नहीं, तैयार जिहड़ी गल आ अहीं स्टैप बाय स्टैप लाउने आ, इहदा 20-20, 30-40 एकड़ करके इहदा स्टैप बाय स्टैप चलदे आ, पर इहदी जिहड़ी आ इहदी लाइफ जिहड़ी आ उगण दी जदों तों प्लैंटिंग करन तों लै के ते हार्वेस्ट स्टार्ट होण तक तकरीबन 6 वीकां 'च 40 दिन दे विच रेडी हो जांदी आ तोड़न नूं। उस तो बाद इन्ने के दिन लेंदी आ, 6 तों 8 वीकां लेंदी आ, उस तो बाद फिनिश हो जाती है, चलती रही है पर बहुत कम माड़ी हो जाती। जो खेतों च आप खड़े हैं, ये किन्ने एकड़ खेत आ जिहड़ा इस सब्जी का लगा? ये तकरीबन 65 एकड़ का ब्लॉक है, 45 का उधरला तो 20 का है। हाँ जी, ये 65 एकड़। दर्शको, ये सब्जी जी आप खरीदते हैं बड़े बड़े स्टोर चो, टिस्को चा आसदा हर एक जगह, ये
इस वक्त 65 एकड़ के खेत दे विच आ जिहदी कि बड़ी डिमांड आ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਟੀਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਸਲਾਦ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਪਜਾਮੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਆ ਇਹ ਕਦ ਲਈ ਪਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਪਜਾਮੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀਟ ਮੈਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਲਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਛੱਡਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਾਈਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਾਈਪ ਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਹੋਊਗੀ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਇਹਨੂੰ ਪੀਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਖਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਪ ਹੋਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕ੍ਰੋਪ ਮਾੜੀ ਆ ਪੈਲੀ ਮਾੜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋੜਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਏਕੜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਲਗੁਲਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਪਸ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਵੀਨਸਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਵੈਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਆ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਸ਼ੈਪਟਨ ਏਰੀਆ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ 82% ਜਿਹੜਾ ਪੀਅਰ ਆ ਨਾਖਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਸ਼ੈਪਟਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਬਨ ਵੈਲੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀਜੇ ਸਹੀਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਕੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੋਈ 1 ਏਕੜ ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ 4 ਏਕੜ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ 7-8 ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਜਰਬਾ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੋ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਆ ਤਿਆ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੜਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੜਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਵੈਲਡਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਦਾ ਕਨਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਤੋੜ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਲਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 6 ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਅਤੇ 6 ਹੀ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਉਹ ਪਿੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿੰਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ 6 ਲੈਣਾ ਵਾ 6 ਇੱਧਰ ਆ ਅਤੇ 6 ਇੱਧਰ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੰਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿੰਨ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਿੰਨ ਭਰ ਕੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲਾਹ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿੰਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕੂਲ ਸਟੋਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਆੜਾ ਇਹ ਕਦ ਲਈ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਟੂਲ ਟਾਲ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੂਲ ਰੂਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਿਸਟਮ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਗੈਰਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 6-7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 12-1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀ ਲੇਬਰ 40-45 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਯਕੀਨੀ ਆ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਲਬਨ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਸਿਡਨੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਖਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੇਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਕ ਇਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲਾਗੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਡ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਖੇਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤ 50-60 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਬਕਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਉਹ ਹੀ
जाने भाई लखवीर सिंह दे आपां पैकिंग एरिए दे विच ते किस तरह इत्थे दी तुहानूं होर खेती लगदी ठीक ठाक साहब ना करी इतों ये 12-15 एकड़ का ब्लॉक सीगा ते इहदे विचों एक वारी अहीं कढ लई अगे ते एक वारी तोड़ के ते हुण दोहरे प्लास्टिक पुट के दोहरे पा के नवां ते हुण दोहरे अर लग गई इच ये तकरीबन 20 दिनां दा बाईयां तक ही शुरू होण वाली है। फिर सो प्यारे दर्शको तुसीं वेख सकदे जे कि साडे सज्जे बन्ने भी यही सब्जी आ तोड़दे आपां ये तोड़ते हैं आपां ये नीली फिनिश होने वाली इन महीने उपर हो गया हार्वेस्ट होंगी तो अच्छे दह क दिनों में यह फिनिश हो जानी तो जो दूसरा ब्लॉक है वो शुरू हो जाना जिदा साढ़े खब्बे बने तुम वेख रहे जे आ जी देख रहे हैं तो ये निकल आनी बूटे 10 क दिन के बूटे सारे अजे तो बस इन्हें मेरा लिया 20 दिन होर लैने 20-25 दिन तो बस शुरू हो जानी है तो जो ये शुरू होगी फिर उन्होंने स्टॉप कर देना फिर नहीं यदि हार्वेस्ट होंगी नहीं हर रोज़ के रोज़ तकरीबन अं 40-50 एकड़ ज 60 एकड़ दो मशीन ना हार्वेस्ट कर रहे हर रोज़ ही। बाकी तुम मक्की का काम भी कर दे? हाँ जी मक्की साढ़े को 30-40 एकड़ से वो कुछ टुट गए सारे फिनिश हो गए उन उस ब्लॉक के हम फिर जकीनी लगी आ तो कुछ 5-6 पैलियाँ उधर है तुम उत्थे लैके जाने दाने बन रहे तो दह दिन वो भी रेडी है हार्वेस्ट कर छलियां तोड़ के मुड़ के किहड़े काम लई वरतदे आ इह? जी इहनूं स्वीट कोर्न कहिंदे आ मिठियां छलियां जिहनूं आपां बोलदे आ ते इह खाण दे काम आउंदी आ बोल करके लोक आ डिनर दे नाल जां उदां वी खांदे आ इत्थे मुंडे ते कच्ची वी खा जांदे आ। हाँ जी छको तुहानूं विखाली पहलां सब्जी ते हुण आ गए आ भाई लखवीर सिंह खक साहब दे मक्की दे खेतां दे विच। खक साहब जी एक कहावत आ लै छलियां भनारी दाणे वे मित्रा दूर दे आ ते इह तुहाडे छलियां वी लगियां वा ते किन्ने चिर दी मक्की की खेती किन्ने चिर की हो गई? मक्की की खेती तकरीबन 100 दिन तो उपर लै जी जिदन तो बी लाया 100 दिन तो उपर तकरीबन 120 दिन 115 दिन बाद डिपेंड करता मौसम कि 100 दिन तो लैके 120 दिन के बीच रेडी हो जाती है हार्वेस्ट करन। ते ए फिर की कादरी ज्यादा यूज करते लोग? ये खाण के काम आ जी तकरीबन ये दाने दुने तो घट निकलते जो आटा नहीं बनता एद इन स्वीट कोर्न कहें सिर्फ तुम बोल करके खा सकते या स्टीम करके खा सकते हैं। देखो प्यारे दर्शको कि मक्की आ तैयार हो रही आ ते बड़ी कृपा वा पहला भी तो जी पहले खेत वढ़ ले? हाँ जी आ 20-25 एकड़ का ब्लॉक सीगा जिथे सामने प्लास्टिक पई आ हुण ते इत्थे सीगी मक्की तकरीबन 25 एकड़ है ते ये सारी सारी हार्वेस्ट करके ते फिनिश करके हुण जकीनी लाई ते यही लास्ट बैच रह गई आ इस तों बाद फिनिश मक्की। ये जिहड़ी तुसीं जकीनी लाउण डए आ ये बी लाउणे आ कि जां बूटे? आ हुण ते लास्ट पैच सी इहदा करके अहीं लेट होए करके अहीं हुण सिर्फ बीज दा डायरैक्ट करदे मोस्टली अहीं सीडलिंग लाउने आ बूटे लाउने इहदा। बाहर एक मिनट दर्शको तुहानूं जकीनी की सब्जी दिखा ली फिर तुहानूं मक्की दिखा ली खक साहब दे फार्म च ते हुण आ फिर उही जकीनी जिहड़ी आ तुहानूं तोरियां वर्गी सब्जी दिखा ली वो लग रही आ ते इह किन्ने एकड़ दे फार्म च लग रही आ? इह आ 25 एकड़ दा ब्लॉक है जी जिहड़ा हुण डे प्लांटिंग करन ते दो ट्रैक्टर एक ते ओ ट्रैक्टर आ सामने ते एक ओ साइड ते दो की करदे आ? इह ते एक ते प्लांटिंग करन रिहा ते दूसरा जिहड़ा ओ हर्बिसाइड स्प्रे मारन रिहा वा प्री मर्ज कैमिकल जिहनूं जो आपां करदे आ ओ वीड वास्ते वीड ना होवे इहदा साइडां ते वी इह घाह जिहड़ा खालां दे विच हो जांदा उहदे वास्ते ओ मर्द वरदे आ ना इहदा। सो प्यारे दर्शको वेख रहे जे कि इह किस तरह जिहड़ी आ सब्जी जिहड़े आ बीज रहे आ ट्रैक्टर चलन रिहा और हौली हौली एक दिन च किन्नी बीज सकदा वा ट्रैक्टर जे हिसाब नाल घंटे च एकड़ बीज दिंदा एक घंटे च एक एकड़ प्लांट कर दिंदे आ तकरीबन। दूसरे पासे वेख रहे जे फूड जिहड़ा ओह स्प्रे कर रहा वा खाद खूद? हाँ जी ओह स्प्रे कर रहा वीड स्प्रे जिदा प्री मर्ज कैमिकल जिहनूं आपां बोलदे आ ओह कर रहा उत्ते। ते प्यारे दर्शको इह तुहानूं विखा लिया भई ओह जिहड़ी सब्जी आ किदां लाउंदे आ मक्की किदां हुंदी आ आह मक्की दे आ गए आ खेतां दे विच ते इहनूं अपना गोडी गाडी भी देंदे आ कि नहीं? नहीं जी केमिकल यूज कीता। अच्छा अच्छा वीड स्प्रे दा? हां आ देखो छलियां आ वेखो प्यारे दर्शको वेखो हां लो ये छली आ खा सकदे तुसीं तां पूरे दाने बन गए बस 5-4 दिन हो रहे इन्हें पूरा वधिया फुल गए ने वधिया ये कच्ची खा सकदे? कच्ची खा सकदे हां जी इदां खा कोई प्रॉब्लम नहीं बस सोहणी बणी आ। वेखो प्यारे दर्शको थल्ले आ जिहड़े आ पै पिया इन्हां राहीं पानी आउंदा वा खा पानी आउंदा खाद आउंदी आ ते मक्की जिहड़ी आ खक साग फड़ियो एक 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 इहो जिहे बूटे आ एक कईआं दो दो भी लगियां वा नहीं नहीं आ वेखो एक बूटे दे नाल पंज पंज निकलदियां थल्ले हां तीन तीन चार चार टांडे भी निकल चार चार ते इहदा मतलब एक एक बूटे नूं फिर 15-15 20-20 लगदियां नहीं नहीं दो दो तीन तीन ही आ कईआं दो के तीन
जे तीन भी हुई बूटे जुतियां पंद्रह नहीं 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 होंगे जी एक दे नाल दो जा तीन या वो तो चार कितने ही अबल तो उ घट ही अबल तो एक ज दो ही होंगे ज्यादा जड़िया वधिया होंगे एक ज दो ही होंगे बाकी बेकार ही होंगे। सो प्यारे दर्शकों तुहानू विखाली आ जी मक्की जी स्वीट कॉर्न आप खाने तो ये वेखो कि जिदा यदा आटा नहीं बनना आटे वाली नहीं गई ना ये आटे वाली नहीं वो दूजी होंगी मेज कहने आप मेज हूँ जी आटा जरा बनता वा जी अपनी इंडिया च मक्की होंगी और मेज होंगी हाँ जी मेज चलना हिंदी ये किन्ने चेर की खेती किन्ने चेर बाद तैयार होंगी ये 100 दिन तो लैके 120 पंद्रह भी दिन पहले की खेत पहला च ब्रोकली सी इस तो पहला वो सियाल सी पिछले सियाल हाँ जी उस तो बाद जो फिनिश किया फिर ये बड़िया सब्जियां तुम बीजते ब्रोकली भी मक्की ब्रोकली गोभी ज जकीनी मक्की चार चीजा मेन मेन चार ही है। हुण सानू विखा लो जिथे तुसीं सब्जी जिहड़ी आ जिहड़ी ज्यादा वो पैकिंग किदां हुंदी आ किन्ने किलो का डब्बा हुंदा किदां पैकिंग जिहड़ी पैलट ते रख के किदां तुसीं भेजदे आ ते आओ तुहानू लै जांदे आ इन्हां दे स्टोर दे विच। सो प्यारे दर्शको तुहानू दिखाईआं तोरियां जकीनी जिहनू कहिंदे आ तुहानू क्या सीगा तुहानू दिखाईआं जिहड़ी मशीन तोड़दी आ ट्रैक्टर चलदा छे छे लैणा जिहड़ियां किस तरह भाजी आह की चीज़ आ बैल्ट इन बोलते हैं कनवाया बैल्ट एक कनवायर बैल्ट लगी आ तो उत्थे ट्रैक्टर के हाइड्रोकल चल चला दी दी तो यह इधर खुल जाती जो पैड़क जो सड़क से जाना हूँ इदा फोल्ड करके लिया दी जो उदा जाना हूँ मतलब तोड़नी शुरू करनी फिर इस तरह यह खुल जाती है इस तरह करके तो अं खोल सकते इतने जाके लॉक हो जाती इस तरह ही दूजे बने हो जाती है लॉक जकीनी सारी इस बैल्ट उधर पंप चलता वॉश हो जाती जकीनी वॉश हो गए फिर इतने पिछे बिन रखा हों बिन भरता जाता जो बिन भर जाता मूव करी जाते पिछा पिछे लगते हैं उपरों दूजे बिन जो खाली बिन कोई भरिया है जिस तरह उतो टुटदी ट्रैक्टर के जिस तरह छे छे लाइन टुट दया जो बिन भर देखो ये सारी हुण जिहड़ी आ मशीन आपे ही धोंदी मशीन के उत्ते वॉशर लगा वा वॉश हो के नाल नाल बिन भरी जांदी आ किन्ने किलो इहदे च पैंदी आ इह बिन पिंच 200 तों 250 किलो बिन भरे आते बिन भर के मुड़के तुम कितने खड़ते जाओ कूल स्टोर के रखते हैं हाँ स्टोर चल जाती है कूल स्टोर है साढ़े को जिदा तो कूल स्टोर ठंडी करके फिर असी ग्रेडर से चाड़ने जिदा दिखता तो ऑलरेडी बिन जा रहा है मशीन वॉश हो रही है वो फिर डि डिप हो के जाते हैं वॉश हो गए अगे जाते हैं फिर आओ प्यार दर्शको आप वेखिए कि ये जड़े आ पैलेट आते चढ़ते आते तो मुड़के हाँ जी इतों इतों जाके आ करके इतने आ डुब जाते मुड़के थले फ्लोट हो गए वाह जी वाह पानी अजे भी थले हाँ जी पानी पूरा भरया वा ये फ्लोट हो गए जकीनी अगे जाई जाती इधर लोड हो गया हाँ जी एक डिप होलरेडी थले जो ये खाली हो गया आटोमैटिक बाहर निकल जाना आप इतने खलोते सेंसर है ना इतने आप स्टॉप हो जाना अच्छा एक थले पिया वा हाँ जी बिन अंदर डिप होलरेडी थले हाँ जी बिन निकल आना हमने एक मिनट बाद वेखोगे तो बिन वास बाहर निकल दर्शको वेखियो मैं कैमरामैन कहूँगा कि उत्थे रखे कैमरा अपना बिन तह निकल लगा पानी चो थोड़ा जहा इधर हो गए क्योंकि उधर हाँ जी जो निकल गया तो आटोमैटिक पिछले ने पुश करके दूजा बिन नवा आना बेच उन्हें वो भरया बिन खाली इधर चार आ भी तुम वेख सकते जी अगे भी आओ वेखो बिन आ गया हाँ जी इस तरह जो ये चल गया डुब गया जो जकीनी फिनिश हो गई सारी ये फिर मुड़ के दूसरा बिन जाई जाना दा पिछे बिन चार चार पांच पांच बिन पिछे लाइन च लग गए तुहानू आ विखाईए नज़ारा कैमरे की अख दे नाल कि किस तरह यह सब्जी जिहड़ी आ वेखो ये जदों उत्थों धुप क्योंदी फिर इत्थे पानी की करदा पानी इहदी सेफ्टी वास्ते आ स्क्रैच बहुत छेती हुंदी डैमेज बहुत हुंदी आ इस करके पानी तो बिना फ्लोट नहीं हो सकती जी उदा करिए स्क्रैची बहुत ज्यादा हो जाती है एक तो वॉश दोहरे हो जाती है तेरे वॉश जाके फाइनल वॉश एंड च होनी फिर वो तुहानू बाद च दिखाउने आ प्यारे दर्शको वेखो इत्थों फिर वॉश हो के ते किस तरह आ तुहानू विखा रहे हैं कि किन्नी क्वालिटी किन्नी सफाई दे नाल वेखो पानी जो भिज भिज के ते गां ये सारी इत्थे आउंदी आ ते इत्थों जाके आ जा रही है बैल्ट दे उत्ते वाह जी वाह सो ये जा रही है बैल्ट दे उत्ते इस तरह ही आ इधर बैल्ट ते जाई जांदी आ चार पांच दस बंदे लगे आ उन्हां दे अपने हाथ से कंट्रोल आ
उन्होंने कंट्रोल के हिसाब से जिनी क चाहिए उन्हें कट कट के डंडिया तो फिर उपर रखी जानी तो फाइनल कट के एक मिनट कट के कि कट के जरा पैरे दर्शको वेखो कि तुम नाई फटो ये कि कटते कि कटते इस तरह इन्नी कड़ी नाइफ इन्नी डंडी कट के तो सुट देनी तो साफ करके दे पैकिंग सौखा हो जाए करके इतने सुट देने बस इन्नी कटनी बस हो कटते तो मुड़ के आप आ जाइए अगे हाँ जी ये वेस्ट बाहर जाते हैं ये वेस्ट बाहर ये किहड़े काम आउंदा खाण दे गाइयां नूं फीड हो जांदी है हाँ जी उत्थों फिर अगे देखो आ किन्नवी वाश चौथी थर्ड तीजी वाश है आ तीजी वाश है प्यारे दर्शको इत्थों अगे तो फिर आ वेखो इत्थे आउंदी आ इस तों गां जाके फिर मुड़ के पैकिंग होनी इस ते आ के लास्ट इस तों गां पैकिंग सो ये है ते इस तों बाद आज तो तुम विखा लीए लखबीर सिंह जी लखबीर सिंह बेटा वह खालसा फतेह वाहगुरु जी खालसा वाहगुरु जी की फतेह बेटा इतने किन्ना चिर हो गया पैकिंग का काम कर दी सब मैनू 2.5 साल हो गए हैं किस तरह फिर तो नाले वादू घर भी ले जाती हाँ जी जरूर ले जाई दी है जी एक बॉक्स के किन्ने किलो पैकिंग होती है 10 किलो 10 किलो पैकिंग होंगी आ प्यारे दर्शको वेखो कि किस तरह कुड़ियाँ इतने आन के मेहनत कर दियाँ निरा जो उ जिन्होंने घर कभी कुछ किया नहीं हूँ स्टूडेंट ने इतने आन के मेहनत करनी पैंती आ इतने तो वो गल आ भावें हसते भावें रो अपने भांडे आपे तो प्यारे दर्शको उ कोई पोचा फिरन वाली होंगी कोई सब्जी लिया के देने वाली सो वेखो कि इतने आन के धियाँ भैन सारे मेहनत करनी पैंती आ सो ये सारे वक्ो वक्री जी पैकिंग हो रही ये अपने खाख साहब सारी पैकिंग जी कि जिदा ए डब्बे वक्री तो आ डब्बे वक्रे का की मतलब ये दो मतलब लिया जी जी कार्डबोर्ड के बॉक्सा करते हैं वो जाती है सेफ ए कॉल्स में जो सुपर मार्केट में दूसरी लोकल विकती है सारी जाती सारे सो प्यारे दर्शको वेखो कि सफाई तो कि वधिया इहदा क्वालिटी किड्डी सोहनी आ जसन केस कोई प्रॉब्लम हो गई साडे कोल लिखिया गया उपर भी बॉक्स नैट 10 किलो आ 10 किलो तो घटनी नहीं चाहिए वध जाए कोई प्रॉब्लम प्यारे दसो इत्थे पैकिंग हुंदी आ ते मुड़ के इन्हां नूं स्टैक हो जांदी आ हाँ जी अपन टिकटा उत्ते लाने अपना ना ना छापते हैं नाल टिकट लगती है तो जेडे सेफे में जाते साडे अपने ना दे प्रिंट होए डॉक्टर आ जेड़ा साइज है उत्ते टिक मार्क हो जाना तो गल एक ही वखो वखरे जेडे ये गाहक आ उन्हों का डब्बा वखरा इन्हों का डब्बा वखरा तो ये पैलेट के उत्ते आ जाती है ये किन्ने बॉक्स आते पैलेट के तो कि ये जी 48 बॉक्स है तो 48 फिर 2 ला के 2 घलते हैं 96 बॉक्स अ निकट टन तो उपर हो जाती है एक पैलेट सो आ जो ये बड़ा शाबाश आ ते ताडे मिलते हैं फादर साहब न जिन्हें अपनी अखी वाहगुरु जी का खालसा फतेह जी वाहगुरु जी की खालसा वाहगुरु जी की फतेह हक साहब जी बड़ा मन खुश होया ताडे बेटे का कारोबार वेख के ते तुसी जींदे जी वेखो किन्नी तरक्की ताडे बेटे ने की करमा संदड़ा खेत ही आदमी हिम्मत तो चलो करे सारे करते पर मालक की दया हो सब कुछ चंगा होता जाता हाँ जी बड़ा सोहना किया काम इन्हें चलाया बड़ा नज़र पट्ठी जे करे सुल्ताना काम करांदा ते जे दूजे बने लख खुशियां पाशाहियां जे सतगुरु नज़र करे गुरु प्यारे खुशियां जिहड़ियां पैसे इन्हां नहीं मिलदियां वेखो बजुर्ग बैठे आ कुर्सी के उत्ते ते पुत कमाई कर डिया ते किन्ना मन खुश हुंदा जदों औलाद कमाई करे की सुनेहा देना चाहोगे तुहानू इस वक्त सिख चल दी अख दे नाल पूरा वर्ल्ड वेख रहा की सुनेहा देना चाहोगे मालिक की कृपा इस तो ज्यादा आप आख सकते बिल्कुल उस मालिक की कृपा ना कुछ हो ना जाने क्या हर किया भयो कबीर 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 हाँ बिल्कुल बाकी हिम्मत इन्हों की चंकी आ सिक्ख्या चंकी शुरू तो ही काम कुम करते रहे पेंड भी मेरे नाल ही माड़ा चंगा तो जो लाग लगी आ बस इतने आके फिर चंगा चंडे आए बच्चे अपने मालिक है जी देने वाला इंडिया कदों को फेरी लाने जो कि कोई सार्थ होई गल हो तो चले जाइए खुशी ना कोई जरूरी भी नहीं ज्यादा होने उ है नहीं कोई मगर बहुत।
जिथे भी पंजाबी गया उन्हें उत्थे पंजाब बनाता प्यारे दर्शको। सो ये तुहानूं विखा लिया ते हुण आपां तुहानूं। सो प्यारे दर्शको, लखबीर सिंह खाख ने जिथे इन्नी मेहनत की है, पिछे इन्हां दी वाइफ का भी हाथ आ। वेखो कि फोर लिमिट के उत्ते जदों दे आए आ, पैरड चुक चुक के कभी ट्रकों से चढ़ाउंदे आ, कदे लियाउंदे आ। ते तुहाडा शुभ नाम की आ? रुपिंदर कौर। रुपिंदर कौर खाख। रुपिंदर कौर जी, तुसीं बड़े लकी आ, वेखो बड़े पति मेहनती मिले आ, ते इह वी लकी आ, तुसीं मेहनती वाइफ मिले आ। ते किस तरह लगता तुहानूं रल मिल के काम कर रहे जी? बहुत वधिया लगता भाजी, जिदा ते रल मिल के ही तां गड्डी चलदी आ हुण जिदा। हांजी, जिदा तुसीं इत्थे इहनां नाल कम्म करवाउंदे आ, घर इह तुहाडे नाल करवाउंदे ने रोटी पाणी तक नहीं? ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਗੋਭੀ ਤੇ ਬਰੋਕਲੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਗੋਭੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਬਰੋਕਲੀ ਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਹਾਂ ਦਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੇਤ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾ ਪਲੈਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੇ? ਇਹ ਵੀ ਬਰੋਕਲੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਢਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਕੋਨੇ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਚੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੜੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਆ ਬੜੀ। 8 ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਇਸ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 8 ਲੱਖ ਬੂਟਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੋ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਰੱਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡ ਭਰਮੀ ਕਮਾਈ ਵੇਖ ਕੇ, ਸ਼ਿਫਟਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਸ਼ਿਫਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।